दोस्तों यार अक्सर हमारे बहुत सारे दोस्तों को एक प्रॉब्लम आती है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर। जैसे आपको एड्रेस कैसे चेंज करना है ड्राइविंग लाइसेंस में, और साथ ही साथ में आप ड्राइविंग लाइसेंस में आधार नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं, और साथ ही में मोबाइल नंबर कैसे आपको अपडेट करना है। तो आज मैं आपको बताऊँगा तीनों चीज़ आप कैसे अपडेट कर सकते हैं बिल्कुल 5 मिनट में अपने मोबाइल फ़ोन से। हालाँकि मैं आपको यहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ करके दिखाऊँगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, आपको अच्छे से समझ में आ पाए, लेकिन आप अपने मोबाइल फ़ोन पर इसका इजीली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, काम का लगेगा और आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। तो चलिए हम डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, आपको बता देते हैं कि कैसे आपको ये चीज़ अपडेट करनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की ब्राउज़र पे या फिर आप लोग अपने जो है कंप्यूटर पर इसको ओपन कर सकते हैं। और जैसे आप ब्राउज़र ओपन करेंगे यहाँ पे आपको लिखना है सारथी इस तरीके से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आ चुका है sarathi.parivahan.gov.in। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पर आपके सामने ये वाली वेबसाइट खुल के आ जाती है गवर्नमेंट की। यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यानी कि अपना राज्य। तो यहाँ पे जैसे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है, इसकी साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस रेंटल रेनेवल / डुप्लीकेट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये बहुत सारी सर्विसेज मिलती है जिनको आप कर सकते हो ऑनलाइन। यहाँ पे 18 टाइप की सर्विसेज है, यानी कि 18 तरीके की सर्विस है जिनको आप करवा सकते हो सही ऑनलाइन। और अब आपको यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको आधार लिंक करना है या फिर एड्रेस चेंज करवाना है अपना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे चाहे तो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर डीएल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके दिखा देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आपको गो पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर लिया है। अब आपको यहाँ पे सिंपल सा गो पे क्लिक करना है और यहाँ पे लोडिंग लेगा और आपका जो है डिटेल्स आ जाएगा सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आ चुका है। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पर कुछ करेक्शन करनी है, जैसे मोबाइल नंबर चेंज करना है या फिर आपको आधार नंबर लिंक करना है, तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक काम ज़रूर करना है, यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट में आपका ड्राइविंग लाइसेंस जिस स्टेट से बना हुआ है। और यहाँ पे आप अपना RTO सेलेक्ट कर लेंगे। RTO मींस जहाँ से आपने लाइसेंस बनवाया था, है ना। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ये चीज़ लिख लेनी है चाहे तो, और उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो यस कर देंगे और यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं ओके कर देंगे, यहाँ पे आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की जो है डिटेल्स खुल जाएगी। अब हम इसको नीचे कर लेते हैं, आप इसको स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे चाहे तो आप यहाँ पर अपना स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे मोबाइल नंबर का आपके पास ऑप्शंस आ जाता है। यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं और यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल मैंने अपना आधार ऑलरेडी अपडेट करवा रखा है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शंस नहीं आ रहा है। जहाँ पे मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है इसके ऊपर एक ऑप्शंस नया खुल के आ जाएगा, वहाँ पे लिखा होगा आधार नंबर, है ना। तो आपको वहाँ पे सिंपली आधार नंबर एंटर करना है और उसके बाद इसको आगे नीचे डिटेल्स फिल करनी है। बाकी अगर हम बात करें तो आप बाकी अगर आप नीचे करेंगे स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पे आप अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको एड्रेस यहाँ पे कुछ करेक्शन करनी है तो यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट आप देख लीजिए, ये स्टेट है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट यहाँ पे देखिए। और उसके बाद आप तहसील अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे तहसील भी सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको अपना गांव सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये मैंने अपना विलेज या टाउन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे
आएंगे, यहाँ पे आपका पूरा एज इट इज़ रहेगा। अगर दोस्तों आपका जो है परमानेंट एड्रेस और प्रजेंट एड्रेस, ये जो एड्रेस है परमानेंट और यहाँ पे प्रजेंट एड्रेस है ना, यानी कि अगर सेम है तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर लेंगे और ऊपर का एड्रेस आपका ऑटोमेटिकली नीचे उठ के आ जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पर कन्फर्म करना है, यहाँ पर आपका एड्रेस पूछा जाएगा कि ओके है, कोई मिस्टेक्स तो नहीं है इसमें, तो आप इसको ओके कर देंगे। अब आप देख पाएंगे कि हमारा सब कुछ यहाँ पे अपडेट हो चुका है। इस तरीके से आप अपना आधार नंबर और यहाँ पर साथ ही साथ में अपना एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस में अपना आधार नंबर और साथ ही साथ में मोबाइल नंबर और एड्रेस को चेंज करवा सकते हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कमाल की वीडियोस हम यहाँ पर लाते रहते हैं और आप सभी दोस्तों को हमेशा अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और कमाल की वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।